स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है सिंहासन पर विराजमान सभी लोग, शांति का दान दें सभी मेहमानों के लिए। आज पकोटा में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा 13वीं खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ श्रीमान कुलदीप राणा जी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा यहाँ आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस इत्यादि रहेंगे। इसका शुभारंभ अभी हो चुका है और मैच शुरू कर दिए गए हैं। इस जो आयोजन के लिए है, इसमें समस्त क्षेत्र के सभी 23 पंचायतों के लोग उपस्थित रहे और क्षेत्रीय विकास समिति, व्यापार मंडल कफोटा और कफोटा इकाई की चुड़े सेवा समिति का पूरा सहयोग है। 23 पंचायत के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसका कि अभी शुभारंभ हो गया है। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की शक्ल में आप सभी विभूतियों को इस खाकसार गनी का सत सत प्रणाम, नमस्कार। आज हम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने हिस्से की श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन इन्हें अर्पित करने के लिए, और ये सिर्फ चंबा में ही नहीं हम मना रहे हैं बल्कि पूरे विश्व में आज का दिन ये मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेता या कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है, हर वर्कर जो होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण और पार्टी का सफाई होता है। तो आज की इस सभा का आयोजन हम हर बार की तरह ज्योति प्रज्वलित से करेंगे और उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हम राष्ट्रीय धुन गाएंगे और उसके बाद अपने अपने अल्फाज में इन्हें सच्ची सुच्ची
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो जब हम पर आए, इंडिया में आए, तो उन्होंने अपने आप को पूरा जो है वो सोशल कॉज के लिए समर्पित कर दिया। और मुझे ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काफी आंदोलन इन्होंने चलाए, असहयोग आंदोलन था, दलित आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था एंड भारत छोड़ो आंदोलन था। और ये ऐसे कर्मठ नेता थे जिन्होंने बिना किसी तलवार के, बिना किसी औजार के भारतों को यहाँ से, सॉरी अंग्रेजों को यहाँ से पछाड़ दिया। तो इनके लिए बिल्कुल सही शब्द है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। इसी के साथ मैं इन दोनों नेताओं को जो है अपनी भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बड़ी खुशी की बात है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर घुमारी में शीर उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत पिछले साल से शुरू की है। और हमारे इस उत्सव कमेटी के जो आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष SDM हैं और साथ में इनके सभी अधिकारी जो सहयोग देते हैं, स्थानीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं और जनता है वो सब सहयोग देती है। और गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हम उनके विचारों को, उनकी जो सोच थी आज उसकी जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है। हम भावी जो हमारे नागरिक तैयार हो रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, उनको भी इसकी जानकारी दी जाए। जो हमारे प्रदर्शनियाँ लगती हैं उसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारे विभिन्न अचीवर हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, उनको सम्मान देने का काम किया है ताकि वो और प्रोत्साहित हो सकें। जो स्थानीय कलाकार हैं उनको एक मंच मिलता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है, विभिन्न प्रकार के फायदे जो हैं इस महोत्सव के माध्यम से जो है वो जनता को मिलते हैं। और इस साल हमने 3-4 इसमें कंपोनेंट और जोड़े हैं। इसमें मेडिकल कैंप का आयोजन कर किया जा रहा है, हमारे IGMC के वरिष्ठ डॉक्टर और दूसरे हॉस्पिटल के जो हैं वो भी यहाँ पे पधारे हैं। और एक डिसेबिलिटी कैंप का आयोजन किया जा रहा है, सुबह जो है ड्रग डी एडिक्शन के लिए जो जागरूकता लाने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया। U17 और U19 के जो बच्चे थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया ताकि बच्चों में ड्रग्स के प्रति जो है वो क्या उसकी बुराइयां हैं, क्या उससे नुकसान समाज को होता है और कैसे वो बच सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए जो है मैराथन का आयोजन किया गया। दूसरे खेलों का आयोजन किया गया ताकि बच्चों की फिटनेस के लिए जो है संदेश दिया जाए। योग शिविर जो है अलग से यहाँ पे लगाया गया और ताकि लोगों को योगासनों का फायदा जो है उसका बताया जाए। और विभिन्न जो यहाँ पे भजन कीर्तन किए गए उसके माध्यम से लोगों को एक संवेदनशील इंसान बनाते हुए हम आध्यात्मिक तौर पे और नैतिक मूल्यों के अपनाते हुए हम आगे जो है गल्प हो, हम अच्छाई की तरफ जाएं, बुराई से हम लड़ सकें, इस तरह तमाम संदेश जो हैं वो देने के लिए इस शीर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और भविष्य में इसको और बेहतर बनाने के लिए जो है सुझाव मांगे जाते हैं, तो अगले साल कुछ और चीज़ें इसमें ऐड होंगी। लेकिन हर साल इस तरह से हम इसका आयोजन करें, मकसद इसका यही है कि हम प्रकृति के प्रति जो हमारे पूर्वज थे, जो पूर्व में जो हमारे मैं कह सकता हूँ जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो धर्म गुरु रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। और जो हमारी शीर खड जिसका नाम बड़ी सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने रखा है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन के बगैर हमारा जीवन जो है वो संभव ही नहीं है, तो इसलिए हवा और पानी दोनों को हम शुद्ध बनाए रखें, इसके लिए भी हमें जागरूकता जो है लाने के लिए इस
सीर उत्सव के माध्यम से संदेश जो है वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनाएंगे तभी हम एक अच्छे इंसान बनते हुए समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे पाएंगे। तो बेहतर हमारा समाज बने, हमारा हिमाचल जिस खासियत के लिए जना देता जाए वो अच्छी, यहाँ के वातावरण के लिए हमारे जो लोग हैं ईमानदार हैं, संवेदनशील हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार कम हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने इस सीर उत्सव के माध्यम से जो है वो संदेश देने की कोशिश जो है करते हैं। तो भविष्य में और बेहतर हो हम इसकी कामना करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल डॉट